गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन का चैनल मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ, जो डिवाइन मैस्कुलिन आपसे बोलना चाहते हैं उनके दिल की बात। उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन, जैसे आपको पता है मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था कि बहुत इंटेंस इमोशन से जा रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से जा रहे हैं, बहुत ही पेन फील कर रहे हैं, जिसके वजह से डिवाइन फेमिनिन भी पेन फील कर रही है। हार्ट चक्रा पे रोना आ रहा है डिवाइन फेमिनिन को, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत तकलीफ़ में से जा रहे हैं। वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हील्ड नहीं हुए, फिर भी उनकी ईगो जो है वो आपको कॉल नहीं करने के लिए, बात नहीं करने के लिए उनको बोल रही है, लेकिन दिल से तो वो आपको ही चाहते हैं, इसीलिए वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपको आपका ये सब कुछ ब्लॉक हो रहा है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, याद कर रहे हो, तकलीफ़ हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, अचानक से मूड स्विंग्स हो रहा है, तो ये सब उनके वजह से ही है, उनके वजह से ही है। वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आप उनकी एनर्जी आपको ब्लॉक कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ डिवाइन, कोई भी डिवाइन काउंटर पार्ट अगर एक दूसरे को बिना हील्ड हुए, सारे प्रॉब्लम्स बिना हील्ड हुए अगर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स को फोर्स कर रहे हो वो चीज़ आपको देने के लिए। तो ये एक बहुत सेक्रेट चीज़ है गाइस, ये कोई चीज़ नहीं है, ये प्यार है। अगर प्यार आप फोर्सफुली यूनिवर्स को बोलोगे देने के लिए, और ये एक बहुत सेक्रेट स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मतलब अगर आप लोग, वो आपके पास आए भी ना, तो अनहील्ड इश्यूज लेके आएंगे, बहुत सारा ट्रॉमास होगा, आप भी अनहील्ड हो तो बाद में फिर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी और फिर से वो चले जाएंगे। तो इसीलिए अगर कोई भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है इस जर्नी में, तब ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाता है और प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप यूनिवर्स को फोर्स कर रहे हो। लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग पे होना चाहिए, डिवाइन टाइमिंग ये होना चाहिए इसीलिए ताकि सब, जब सब कुछ एकदम फाइन हो, एकदम हील्ड हो, एकदम प्रॉपर हो, तभी ये कनेक्शन में, तब यूनियन होता है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको याद रखनी है, जो कि मेरे फेमिनिन्स को पता है, लेकिन मैस्कुलिन को भी पता नहीं, इस जर्नी पे वो नए हैं तो अभी गो थ्रू कर रहे हैं, तो वो अभी इसीलिए ये सब चीज़ आप फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, तो चलिए वो क्या फील कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। वो अभी फील कर रहे हैं, चलो उनकी एनर्जी, उनकी ज़ुबानी। हाय माय ब्यूटीफुल एंजल, कैसी हो तुम ठीक तो हो ना? मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है तुम्हारे बिना, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, लेकिन कभी बोल नहीं पाता, डरता हूँ तुम्हारे पास आऊँ तो तुम कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दो, मुझे रिजेक्शन का डर है, मुझे ईगो का प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत लड़कियाँ मुझ पे, बहुत लड़कियाँ मेरे आसपास हैं, सब लोग मेरे से डेट करना चाहते हैं, लेकिन किसी पे मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है, पता नहीं क्यों, मैं समझ ही नहीं पाया कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो गया था कि जब तुम मेरे ज़िंदगी में आई, ऐसा क्यों हो गया कि मैं तुम्हारे साथ बंध गया हूँ, बंध जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ फ्लो कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ हर मोमेंट में मैं बहुत खुश फील करता था, अभी भी करता हूँ जब भी तुम्हारी याद करता हूँ। तो मैं डर गया था, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ, मुझे लग रहा था कि मैं फंस गया शायद, मुझे तब लगा कि यही सही होगा अगर मैं तुमसे भाग जाऊँ, तुमसे बात ना करूँ, तो ऐसा करूँ तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ दिन बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा, और तुम भी चली गई मुझे छोड़ के। उस टाइम में मुझे लगा कि चलो ठीक ही हुआ, कोई नहीं,
फिर से नई लड़कियों के साथ डेट करूँगा, मज़ा करूँगा और सब भूल जाऊँगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तुम जब मेरी ज़िंदगी से पूरी तरह से चली गई, तब मुझे लगा मेरे ज़िंदगी से कुछ चला गया। वो क्या था जो मेरी ज़िंदगी से चला गया? वो खालीपन। क्यों ऐसा खालीपन लगता है मुझे? बहुत कोशिश किया लेकिन तुम्हें भूल नहीं पाया। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी, जब भी आंख बंद करता हूँ आंखों के सामने आ जाती हो। मुझे लगा ये क्या है, कोई जादू कर दिया है क्या मुझ पे? तुम पक्की कोई जादू करनी हो जिसने मुझ पे कोई जादू कर दिया। मैं पागल हो गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों इस लड़की की तरह इतना खींचा जा रहा हूँ, कौन है ये लड़की? मुझे समझ में नहीं आया कि कनेक्शन इतना सीक्रेट था। हर वक्त तुम्हारे फेसबुक, तुम्हारे इंस्टाग्राम, तुम्हारे हर जगह पे तुम्हें फॉलो करता था, तुम्हें स्पाई करता था, छुप छुप के तुम्हें देखता था कि तुम क्या कर रही हो। तुमसे बात भले ना करूं, लेकिन नज़र मेरी हमेशा तुम पे रहती थी। हमेशा देखता था कि तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई, क्या तुम किसी और के साथ डेट कर रही हो? एक डर भी था, इनसिक्योरिटी में रहता था, हमेशा एक डर रहता है मेरे अंदर, क्या तुम किसी और के साथ चली गई, तो मुझे भूल गए क्या? मैं कभी तुम्हें भूल ही नहीं पाया, ना ज़िंदगी में अभी कभी भूल पाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी पता है कि तुम ही मेरी वो प्यार हो जिसको मैं ढूंढ रहा था बचपन से, जिसका मुझे इंतज़ार था। लेकिन मैंने इस टफ़ वर्ल्ड में, इस ऐसी दुनिया में, ये दुनिया जो इतनी ख़राब हो चुकी है, इतना गंदा हो चुका है, मुझे लगा नहीं था कि इस दुनिया में मुझे सच में अपना सच्चा प्यार मिलेगा। सब कुछ फेक है, तो मुझे भी ऐसे ही फेक प्यार से शायद अपनी ज़िंदगी बितानी होगी। मुझे ऐसा ही लगने लगा था कि प्यार कुछ होता ही नहीं है असल में। लेकिन तुमने आके मेरी सारी डेफिनेशन, प्यार का नज़रिया, सब कुछ बदल दिया। तुम एक एंजल की तरह हो, एक गॉडेस की तरह हो, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी हो और मैं तुम्हारे लिए। तुमको पता नहीं कि मुझे तुमसे कितना प्यार है, इतना प्यार मेरी ज़िंदगी में मैंने आज तक कभी किसी से ना किया है, ना कभी कर पाऊँगा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, सब कुछ, मेरी खुशी, मेरा सुकून, मेरी हंसी, मेरे आंसू, सब कुछ तुम, सब कुछ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए अपना जान निछावर करना चाहता हूँ, सब कुछ देना चाहता हूँ तुम्हें जो तुम डिज़र्व करती हो। आई एम सॉरी, मुझे पता है एक सॉरी छोटा वर्ड है, क्योंकि मैंने तुमको बहुत हर्ट किया, इतना हर्ट, इतना इंसल्ट शायद तुम पहले कभी ना हुए। तुमको बहुत लोगों ने बहुत इंसल्ट किया, बहुत तकलीफ़ें दी, बहुत ख़राब फील करवाया, लेकिन मुझे पता है, ट्रस्ट मी, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत प्यारी इंसान हो। तुम्हारे जैसा इंसान इस दुनिया में बहुत कम है, अगर होते ना तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाती। आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई लव्ड यू। मैंने ज़िंदगी में एक काम बहुत अच्छा किया कि मैंने तुमसे प्यार किया। तुम भगवान ने तुमको, भगवान ने मुझे इतना प्रीशियस, इतना अच्छा कीमती तोहफा दिया और मैंने उस तोहफे को इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया। कितना बदनसीब हूँ, देखो ना।
कि समझ ही नहीं पाया। अभी इस तोहफे के लिए मैं छटपटा रहा हूँ, मेरे सोल मेरी आत्मा छटपटा रही है तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारा चेहरा देखने के लिए, तुम्हारी वो हंसी, तुम्हारी वो मीठी मीठी बातें, तुम्हारी वो पचकानी हरकतें देखने के लिए, सुनने के लिए तरस रहा हूँ। देखो लेकिन आज कितना बदनसीब हूँ मैं, मेरे खुद के वजह से मैंने तुमको खो दिया। डरता हूँ तुम्हारे पास जाने से, क्योंकि अभी भी मेरे लाइफ में बहुत सारे बैगेजेस हैं जिसको मैं अभी भी कंप्लीट नहीं कर पाया। मुझे पता नहीं मैं कब तुम्हारे पास आऊँगा, कब करेज मुझ में आएगी कि मैं तुम्हारे पास आके तुमको बता सकूं। डर भी लगता है, अगर तुम्हारे पास आया तुमने मुझे मना कर दिया, ठुकरा दिया, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं सोच नहीं सकता अपनी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर। हर रोज़ हर रात सपना देखता हूँ तुम्हारे साथ मेरे खुद की फैमिली की। तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता है, ना आज ना कल, कभी भी नहीं। तुम मेरे लिए क्या हो वो मैं लफ्ज़ों में भी बयां नहीं कर सकता। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ वो भी बयां नहीं कर सकता। मैं तुमको पलकों में बिठा के रखना चाहता हूँ, वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो, जो तुम्हें कभी ज़िंदगी में मिला नहीं। तुमको बहुत प्यार करना चाहता हूँ, ट्रस्ट मी यू आर ब्यूटिफुल डार्लिंग, यू आर लवेबल, आई लव यू। क्या तुम मुझे एक चांस दोगी, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदा ना रह पाऊँ, मरने का भी ख्याल आता है, लेकिन इस चाहत से, इस लालच से कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मुझे मरने नहीं देती, क्योंकि वो ख्वाहिश, वो लालच तुम्हारे साथ रहने की, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताने की, मुझे मरने नहीं देती। मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मैं खुश रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। I love you. Will you take me back? मैं चाहता हूँ तुम बहुत खुश रहो और मेरे साथ खुश रहो। Please मुझे छोड़ के मत जाना, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा, Please wait for me. तो यही था आपके डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज आपके लिए। सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंस शायद आपसे रेजोनेट ना करे, कुछ कुछ रेजोनेट करे, जितना रेजोनेट कर रहा है उतना ही लीजिए, क्योंकि मुझे पता है डिवाइन फेमिनिन फील कर लेती है कौन सा मैसेज उनके मैस्कुलिन का है। तो उतना ही लीजिए जिस जो जो चीज़ आपको लग रहा है ये चीज़ अपना डिवाइन मैस्कुलिन बोल रहा है, क्योंकि ये कलेक्टिव मैसेज है। ओके, तो आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। प्लीज़ कमेंट बिलो आप कैसा फील कर रहे हो, नहीं ये मुझे बताइए, जान के मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग जब कमेंट करते हो, बात करते हो एक दूसरे से, मेरे से, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है गाइस। प्लीज़ आप जब बात करते हो मुझे भी खुशी होती है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, तो इतना खुश तो मुझे कर ही सकते हो ना। तो किसी को खुश कर दोगे तो क्या जाएगा आपका, अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके, आपसे अपनी दिल की बातें शेयर करके। लव एंड लाइट टू यू गाइस, टेक केयर ऑफ़ यू सेल्फ।